हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र स्टूड पर आज का ये वीडियो कक्षा बारह का रहेगा कक्षा बारह गणित का गणित में हमारा प्रश्नावली आपकी पांच पॉइंट एक चल रही थी जिसमें ये वाला पहला सवाल दूसरा और तीसरे का ये और ये सवाल मैंने आपको करा दिए हैं हालांकि ये वाला सवाल भी मैंने शायद कराया था मुझे याद नहीं है लेकिन मैं ये फिर से करा दे रहा हूं आपको दो और 25 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके हिसाब से हम नया सिलेबस करा रहे हैं बहुत से स्टूडेंट को भी पता ही नहीं है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिएगा आप जो पीछे का सिलेबस है हम उसको फिर से करा देंगे ठीक है अब से हर रोज आपको ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स का और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों का एक एक वीडियो डेली मिला करेगा एग्जाम होने से पहले पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा ये गारंटी है और जिन्होंने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री नोट्स कैसे लेने हैं कहाँ से मिलेंगे ये आपको ग्रुप में पता चल जाएगा बाकी आप YouTube की वीडियो से अपडेट रहिएगा तो वहां पर तो भी मैं आपको बताता रहता हूँ खैर चलिएगा हम सीधे सीधे आज की इस वीडियो में हम ये वाला सवाल आपको कराते हैं क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस पच्चीस तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं अः क्या है मेरे पास में सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे का सी सवाल है एफ एक्स बराबर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं ओके ये एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वे माइनस पच्चीस बट्टे एक्स माइनस पांच ये तब है यदि एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस पांच और जीरो जीरो तो हाँ गया सवाल बस यही है, इतना ही दे रखा है और इसमें क्या करना है सवाल में आपको पता ही होगा सांतत्ता की जांच करनी है ठीक है इसमें क्या करना है सांत्य की जांच की जांच आपसे पूछी है ओके कि ये फंक्शन आपका संतत है या नहीं है ओके चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे देखिएगा। जो भी यहां पे दे रखा है, उसी चीज़ को मान के चलेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन के लिए हम पहले हम लिखेंगे माना माना कि यहाँ पे देखिएगा अब यदि यह कहता कि x बराबर दो पर चेक करो x बराबर पांच पर चेक करो x बराबर छह पर चेक करो तो हम डायरेक्टली चेक कर लेते लेकिन यहां पर कुछ नहीं दे रखा तो अपनी ओर से हम मानेंगे कि भैया किस चीज पर चेक करना है तो उसके लिए हमने मान लिया माना के एक पूर्णांक है के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो के नॉट इज टू माइनस पांच भाई के आपका माइनस पांच नहीं है बाकी कोई भी एक पूर्णांक है माना के एक कोई भी पूर्णांक है ओके okay. अब पूर्णांक का मतलब भैया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है पूर्णांक ठीक है तो हमने कोई भी चीज मान ली लेकिन माइनस का k का मान बस 5 नहीं है बाकी कुछ भी है चलिएगा तो अब हम चेक करेंगे यदि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई तो संतत है नहीं तो संतत नहीं है तो पहले मैं एल एच निकालूंगा एल एच एल किस पर के पर निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू के और यहां पे लिख दूंगा नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आ, क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं केपल लिमिट नेगेटिव इसलिए क्योंकि मैं एल एच एल निकाल रहा हूं आर एच एल निकाल लूंगा तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा बस ठीक है चलिएगा अब मैं यहां से इसके पेज के दो भाग कर दे रहा हूं ताकि आप अलग देख सको चलिएगा अब फंक्शन कौन सा लूंगा मैं लिमिट एक्स टेंस टू के फंक्शन तो आपके पास एक है यही लेना है जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको चलो ये अभी तो पहले पूरा लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वेयर माइनस पच्चीस और यहां पर x माइनस पाँच अब ये आप लिमिट रख दोगे x की जगह पर k रख दोगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वेयर माइनस पच्चीस और नीचे आ जाएगा k प्लस पांच के माइनस 5 के माइनस पांच इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 25 को हम लिख सकते हैं पाँच का स्क्वायर तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला बना के इस 25 को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पाँच का स्क्वायर अपने आप में ये फार्मूला हो जाएगा कौन सा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी यही होता है तो यही चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा के प्लस और के माइनस नीचे आपका k माइनस पांच ऑलरेडी हैगा अब आप क्या देख रहे हो k माइनस पांच से k माइनस पांच कट जाएगा एल एच एल हम निकाल रहे थे तो एल एच एल कितना आ जाएगा k प्लस पांच इतना आपका ये एल एच एल आ जाएगा ओके चलिएगा अब हम यहां से हम क्या निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे भाई चलिएगा तो आर एच एल हम यहां से निकालेंगे आर एच एल आर एच एल कैसे निकलेगा लिमिट के आ, एक्स टेंस टू के पॉजिटिव और एफ एक्स लिख देंगे अब कौन सा फंक्शन लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के फंक्शन वही लिया जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस पच्चीस बट्टे एक्स माइनस पाँच के चलिएगा तो आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के अब यहाँ पर हम के डायरेक्टली हम लिमिट रख देंगे लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट यहाँ पर रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस पच्चीस को लिख देंगे हम पांच का स्क्वायर नीचे हो जाएगा यहाँ पर के माइनस पांच तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्यर माइनस बी स्क्र यानी कि के प्लस पांच और ये हो जाएगा आपका के माइनस पांच नीचे आपका के माइनस पांच ऑलरेडी है इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हम कितना आ जाएगा के प्लस पांच आ जाएगा आ रहा है अब हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे यानी कि डायरेक्टली एक्स की जगह पर हम के रख देंगे x की जगह पर डायरेक्टली के तो जहां जहां पर फंक्शन में एक्स है वहां पर के रख देंगे तो डायरेक्टली एक्स के स्क्वेर माइनस पच्चीस बट्टे नीचे भी के माइनस पांच इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा के प्लस पांच और ये हो जाएगा के माइनस पांच आ रहा हो तो ये नीचे के माइनस पांच है तो के माइनस पांच से के माइनस पांच कट जाएगा एफ के बराबर कितना आ जाएगा के प्लस पाँच आ जाएगा इस चीज को याद रखिएगा ठीक तो यहां से आपको देखिएगा यहां से तीनों चीजें आपको पता चल रही हैं, क्या निकल है एल एच एल निकल गया आपका आर एच एल भी के प्लस पांच आया और एफ की जगह पर एक्स की जगह पर के रखा तब भी के प्लस पांच आया तो यहां से आप लिख देंगे यहां से देखिएगा इस तरह से लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन की वैल्यू के पर इसलिए x बराबर k पर एफ एक्स संतत है और बस एस एक एक एक्स एक पूर्णांक एक्स बराबर के माना है और के हमने क्या माना है यहां पर एक पूर्णांक माना है तो एक्स बराबर यानी ये, ये सभी पूर्णांकों के लिए जो के नॉट इक्वल टू माइनस माइनस पांच को छोड़कर बाकी कोई भी पूर्णांक लोगे तो उसके लिए ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्य होगा अर्थात संतत होगा ठीक है चलिएगा अब अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल करेंगे हम आ, अगला पेज ले लेते हैं अगले सवाल के लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है ये अगला सवाल यहां पर आएगा आ, तीसरे का डी चलो तीसरे का डी तो हम पहले वहीं पे कर सकते थे ठीक है ये हो जाएगा ये देखिएगा तीसरे का डी क्या है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस पांच एक्स माइनस पांच दे रखा है चलिए ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं भाई हम इसको तो खोल लेते हैं कैसे खोल लेंगे यहां पर देखिएगा मोड को कैसे खोलते हैं यहां पर जो भी वैल्यू है उससे खोलेंगे भाई क्यों एक्स का मान यदि यदि एक्स का जो मान है वो पांच से कम रहेगा इसमें x का मान यदि पांच से कम रहेगा तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी ऋणात्मक आएगी तो माइनस लगा देंगे हम x माइनस पांच इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा ठीक है तो माइनस से पांच से कम आएगी जैसे कि पांच से कम यहाँ पर चार तीन दो एक जीरो ऐसे तो सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो माइनस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस का एक्स प्लस का पाँच हो जाएगा तो हम इसको पांच माइनस एक्स लिख सकते हैं और यदि x की वैल्यू पांच से ज्यादा या पांच के बराबर आ जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी यानी ज्योका त्यों रहेगी पांच के देखो यहाँ पे पांच माइनस पांच जीरो वो भी पॉजिटिव होगी पांच से ज्यादा छह रखेंगे छह में से पांच जाएगा तो भी एक बचेगा यानी कि ये वैल्यू पूरी की पूरी पॉजिटिव रहेगी ठीक है ये चीज हो गई अब सीधे सीधे हम कोई भी एक पूर्णांक मान ले रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है अब यहां से हमारी कंडीशन बनेगी तीन तो कंडीशन बनेंगे मोड वाला होता है तो हां से मैं लूंगा के माना अब मैं के पर क्योंकि यहां पर दे तो नहीं रखा तो पांच पर चेक करना है कि छह पर चेक करना है संतत है या नहीं है तो डायरेक्टली पता करना तो माना के एक पूर्णांक है के एक कोई भी पूर्णांक है अब यहां से तीन कंडीशन बनेंगी यदि के ग्रेटर देन एक्स सॉरी ग्रेटर देन फाइव यहां पर जो भी है उससे बनाएंगे हम लिंक यहां पर यदि का मान पांच से बड़ा है पहली चीज यदि के का मान पांच से बड़ा है तब की कंडीशन फिर आपका यदि यदि का मान पांच से छोटा है तब की कंडीशन और यदि k का मान पांच के एग्जैक्टली बराबर है तो चलिएगा पांच से बड़ा पांच से बड़े पर हम कौन सा पांच से यदि कि x का मान हमने x x x को ही तो k k माना माना है माना यहां पर बराबर बराबर ऐसे k एक पूर्णांक है अब हमने x को ही तो हमने k मान लिया ठीक है यानी कि k ये और यही चीज यहां पर ये वाली कंडीशन आ गई x का मान यदि पांच से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा हर बार और ये कंडीशन हो गई आपकी तो कैसे निकालेंगे पहले हम एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू तो पांच और यहां पे लिख देंगे नेगेटिव और भैया आपको पता है लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू तो पांच और फंक्शन अब फंक्शन ऊपर वाला नहीं यही लिया जाए क्योंकि के से बड़े के से बड़े पर तो यही फंक्शन है क्योंकि हम यहाँ पर सॉरी के पर चेक करेंगे यहाँ पर के पर के पर, के पर लिमिट पांच पर नहीं के पर निकालेंगे यहाँ पर लिमिट निकालेंगे हम के पर क्योंकि हमने के मान लिया है डायरेक्ट यहाँ पर पांच दे नहीं रखा तो हम के के पॉजिटिव और यहाँ पर लिख देंगे के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें तो हर बार यही फंक्शन लेना है एक्स माइनस पांच तो ये एक्स माइनस पांच चलिएगा अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली के एक्स की जगह पर के रख दूंगा तो ये कितनी आ जाएगी के माइनस पांच आ जाएगी ऐसे ही यहां से आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू के और यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव देखिएगा ये यहाँ पर ये यह गलती कर दी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम के नेगेटिव और राइट हैंड निकाल निकालेंगे तो के पॉजिटिव ये हो जाएगा एफ एक्स अब लिमिट एक्स टेंस टू के फंक्शन कौन सा लिया जाएगा यही लिया जाएगा हर बार हर बार यही फंक्शन लिया जाएगा अब x की जगह पर k रख देंगे तो कितना हो जाएगा k माइनस ओके okay. अब नीचे फंक्शन की वैल्यू x की जगह पर यदि यहाँ पर आप x की जगह पर x की जगह पर आप क्या रखोगे k, x की जगह पर k रखोगे तो कितना हो जाएगा x की जगह पर k रखेंगे तो जहां जहाँ पर फंक्शन यही है x की जगह पर क्या हो जाएगा k माइनस यही चीज आ जाएगी अब यहां से आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है कि भाई चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन की वैल्यू के पर ये देखेगा ये यहाँ पर एल एच एल ये निकाला तो K माइनस पांच आया आर एच एल निकाला तो ये भी K माइनस पांच फंक्शन की वैल्यू निकाली तो ये भी K माइनस पांच इसलिए 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 x इसलिए पांच से बड़े सभी पूर्णांकों के लिए ऐसे लिख दीजिएगा इसलिए लिख देंगे पांच से बड़े सभी पूर्णांकों के लिए एफ एक्स संतत है ऐसे ही यहाँ पर आप पांच से छोटों की कंडीशन निकालोगे पांच से छोटे की कंडीशन निकालेंगे तो देखिए पांच से छोटा है तो याद से समझ लीजिएगा पांच से छोटा रहेगा तो हर बार आपको ये वाला पांच माइनस एक्स फंक्शन लेना पड़ेगा तो पहले हम निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के पर निकालेंगे के और नेगेटिव और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन भाई पांच से छोटे पर तो एक ही फंक्शन है ये वाला यही लेना पड़ेगा हर बार यही फंक्शन लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के और ये फंक्शन क्या है पांच माइनस एक्स अब एक्स की जगह पर के रख देंगे तो क्या आ जाएगा पांच माइनस के एल एच एल आ गया ऐसे ही आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू के पॉजिटिव ये हो जाएगा एफ एक्स आगे निकालेंगे हम तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स की जगह पर लिख दोगे आप 5 माइनस एक्स ठीक है के की एक्स की जगह पर के रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के ये आ जाएगा ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे के पर तो कितनी हो जाएगी जहाँ जहाँ पर एक्स है वहां पर के रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के ये आ जाएगा तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ के अतः इसलिए पांच से छोटे सभी पूर्णांकों के लिए, लिए एफ एक्स संतत है पांच से छोटे सभी पूर्णांकों के लिए एफ संतत है ओके चलिएगा ये आ गया आपका क्लियर हो गई ना यहां तक चलिए अब यहां से आगे अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे यहां से आगे ये हो गया अब k बराबर क्या लेंगे पांच लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर तीन ही कंडीशन बन सकती है यदि यहाँ पर पांच है तो x का मान या तो पांच से कम हो सकता है या x का, का मान पांच से ज्यादा हो सकता है या x का मान पांच से बराबर हो सकता है यदि यहां पर देखिएगा अब कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी इस फंक्शन को मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूं ये देखिएगा ये लिया मैंने कॉपी इस फंक्शन को मैं यहां पर ले आ रहा हूं ठीक है ये हो गया अब फंक्शन को जरा समझिएगा अब हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं यदि अब तीसरी कंडीशन और रह गई है कि यदि के बराबर पांच है तब तब कंडीशन कुछ अलग होगी तब हम एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू तो के नेगेटिव एफ एक्स ऐसे के पर निकालेंगे हम और यहां से देखिएगा ध्यान से लिमिट यहां पे दो भाग कर दे रहा हूं इसके लिमिट एक्स टेंस टू के और यहां पर लिया जाएगा आपका एफ एक्स कौन सा फंक्शन लिया जाएगा ध्यान से एक्स टेंस टू के हो जाए अब यहां पर बताओ फंक्शन कौन सा लिया जाएगा अब हर बार वो नहीं लिया देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, हैं, है, exactly है. निकाल है, तो मतलब क्या है एक्स का मान के से थोड़ा सा कम के और के का मान पांच है यानी कि पांच से थोड़ा कम और पांच से कम पर फंक्शन लिया जाएगा पांच माइनस एक्स फंक्शन लिया जाएगा पांच माइनस एक्स अब जहां जहां पर एक्स है वहां पर लिमिट रख देंगे के, तो कितना आ जाएगा पांच माइनस के आ जाएगा ऐसे ही अब आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू के पॉजिटिव लिखोगे पर लिखेंगे एफ एक्स फिर आगे लिमिट एक्स टेंस टू ये हो जाए के फंक्शन कौन सा लिया जाएगा देखिए के पॉजिटिव एक्स का मान के से थोड़ा सा ज्यादा है और के का मान कितना है पांच है तो मतलब पांच से ज्यादा तो पांच से ज्यादा पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा एक्स माइनस पांच ये वाला फंक्शन लिया जाएगा अब जहां जहां पर एक्स है वहां पर के रख देंगे तो के माइनस पांच हो जाएगा अब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली के रखोगे के यानी कि एग्जैक्टली पांच के बराबर तो पांच के बराबर है तब भी ये लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा के माइनस पांच ये हो जाएगा अब आपको देखने को मिल रहा है चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल आ रहा है चल यही दोनों चीज बराबर नहीं आ रही थी तो ये चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है क्योंकि ये आपका इतना आ रहा है ये इतना आ रहा है दोनों बराबर नहीं है इसलिए x बराबर यानी k बराबर पांच पर ठीक है सीधे सीधे लिख दोगे यानी कि k बराबर पांच अर्थात अर्थात x बराबर पांच पर फंक्शन यानी कि एफ एक्स संतत नहीं है संतत नहीं है बात समझ में आ गई ये जो फंक्शन था ये आपका हमको पता चल गई कि पांच से कम यानी कि के का मान यदि पांच से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो तो उस पर ये संतत है के से कम है उस पर भी संतत है लेकिन ये फंक्शन आपका यदि पांच पर हम चेक करेंगे तो आपका संतत नहीं आएगा ठीक है चलिएगा अब हम आगे सवाल करेंगे हम आगे आ, कौन सा सवाल लेंगे अब हम सीधे सीधे आगे सवाल चल रहा है आपका चौथा सवाल है चौथा सवाल क्या कह रहा है चौथा सवाल कह रहा है कि सीधे एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है एक्स की पावर एन ये दे रखा है और एक्स बराबर एन दे रखा है ठीक है जहां लिखा है जहां जहां एन धन पूर्णांक है एन धन पूर्णांक है ठीक है तो ये बताना है कि सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है आपका x बराबर एन पर संतत है संतत है सिद्ध करना है ये सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है x बराबर n पर संतत है कोई दिक्कत नहीं है संतत की कंडीशन क्या थी आपको पता ही है पहले हम क्या निकालेंगे LHL. LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू n n पर और यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ये हो जाएगा एफ एक्स बात वही है क्योंकि आपके पास अकेला फंक्शन है एक्स टेंस टू एन तो फंक्शन वही है एक्स की पावर एन तो एक्स की पावर एन ही लेंगे अब एक्स की जगह पर आप लिमिट रख दोगे तो कितना हो जाएगा एल एच एल लिमिट रख देंगे एक्स की जगह पर एन रख देंगे तो एन की पावर एन आ जाएगा तो ये भी एक क्या है पॉजिटिव आएगी क्योंकि किसी पॉजिटिव संख्या की पावर यदि पॉजिटिव संख्या है तो वो पॉजिटिव ही आएगा ठीक है चलिएगा ऐसे ही अब हम आर एच एल निकालेंगे लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव क्योंकि एन पर निकाल रहे हैं तो एन पॉजिटिव चलिएगा लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एन और एफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम एक्स की पावर एन रख देंगे ओके okay. अब देखिएगा यहाँ पर लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की जगह पर एन रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर एन रख देंगे तो क्या हो जाएगा तो एन की पावर एन तो ये आ जाएगा आर एच एल ये आ गया ठीक है ये आ गया ओके चलिए अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह पर डायरेक्टली एन रख दोगे तो यहां पर देखिए एक्स की जगह पर एन रख दोगे तो एन की पावर एन ये भी आ गया ठीक है तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन की वैल्यू एन पर यह चीज आपकी बराबर आई है इसलिए एक्स बराबर एन पर एफ एक्स संतत है संतत है यही चीज आपको प्रूफ करनी थी यही चीज होगी प्रूफ ठीक है ये चीज होगी प्रूफ ओके अब हम पांचवा सवाल करेंगे पहले यहां तक हम कर लीजिएगा इसके आगे में कराता हूं अभी आपको सवाल अब देखिए अब आ जाते अपने अगले सवाल पर देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है आह... बहुत ही शानदार सवाल है एफ एक एक्स बराबर ये पांचवा सवाल एक एक्स और यहाँ पर पांच ये एक्स का मान यदि वन से छोटा या वन के बराबर है तब ये और एक्स का मान यदि पांच से एक्स का मान यदि एक से बड़ा है तो पांच लेना है और एक्स का मान यदि एक से छोटा या एक के बराबर है तो एक्स लेना है और ये कह रहा है क्या फलन एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर एक और एक्स बराबर दो पर संतत है क्या फलन ये संतत है तो पहले चेक करेंगे हम देखिएगा यहां पर आपका ये देखिए जब इस टाइप का सवाल आए वन और यहां पर दो है और लिमिट पूछ रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर ध्यान से समझिएगा तो जब भी कभी भी एक्स बराबर जीरो पर ऐसे ही यहां पर मतलब वन को छोड़कर कोई भी नंबर जैसे कि ये एक्स बराबर दो और एक्स बराबर दो पर तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उनको हम कैसे करते हैं जरा समझो ऐसे के लिए मतलब देखिएगा भाई आप पहले निकालोगे लिमिट एक्स टेंस टू यहां पर आप जीरो है बात को समझो जीरो अब जीरो से कम हो या जीरो से ज्यादा तो यहां पर तो ये डिफाइन किया ही नहीं है जीरो के लिए तो फंक्शन डिफाइन किया ही नहीं है ठीक है तो जब जीरो के लिए डिफाइन नहीं किया तो फिर आपको क्या करना है जीरो पर नहीं निकालनी डायरेक्टली आप यहां पर एक् एक्स टेंस टू जीरो और यहां पर लिख दोगे सीधे सीधे एफ एक्स ठीक है ये तो आपको काउंट करना ही नहीं है बस काउंट क्या करना है फंक्शन की वैल्यू देखो जीरो पर कितनी आएगी एक्स बराबर जीरो एक्स की जगह पर यदि जीरो रख लू तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा ये वाला लिया जाएगा क्योंकि एक्स जो जीरो है ये वन से छोटा है वन से छोटे पर एक्स लिया जाएगा और एक्स की जगह पर मैं जीरो रख दूंगा ये फंक्शन की वैल्यू जीरो तो आप सीधे जो भी फंक्शन दे रखा है उसको आप डायरेक्टली इसके बराबर रख दोगे और सीधे सीधे लिख दोगे एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है ऐसे ये वाला जब दो पर है ना तो ये दो पर डिफाइन किया है तो सीधे सीधे x की जगह पर दो रखेंगे तो x ये जो कौन सा फंक्शन लेंगे देखिएगा x का मान यदि वन से बड़ा है वन से बड़ा यानी दो जो है वन से बड़ा है वन से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा पांच तो पांच आ जाएगा और लिमिट लिमिट भैया एक्स टेंस टू दो ठीक है एक्स टेंस टू दो एफ एक्स रखेंगे तो वो हमेशा पांच ही आएगी क्यों आएगी वन से बड़ा एक्स का मान ये दो है दो वन से बड़ा है 1 से बड़े पर तो ये फंक्शन पांच ही है तो ये पांच आएगी तो कुल मिलाकर लिमिट आरएचएल हो या आपकी आर एच एल हो या फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हो आरएचएल या एल एच एल हो दोनों वैल्यू आपस में क्या आएंगी बराबर आएंगी तो ऐसे यहां पर ये दम बराबर आ गया अतः अतः आपका जो फंक्शन है यहाँ पर x बराबर दो पर एफ एक्स संतत है जब ना समझ में आए ना समझ में आए तो आप ऐसा समझिएगा आपको मैं और तरीके से भी आपको बता दे रहा हूं कैसे कि भाई यहां पर फंक्शन में आप निकालते हो एल एच है LHL किस पर निकालेंगे हम जीरो तो x टेंस टू जीरो नेगेटिव fx रखेंगे तो मतलब ये है लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा फंक्शन कौन सा जीरो से कम जीरो से कम x का मान जीरो से कम है तो यही लिया जाएगा ना कौन सा x तो यहाँ पर रख देंगे x ये जीरो x की जगह पे x रख लिया जाएगा और x की जगह पे 0 रख दें 0 ऐसे ही आप RHL लोगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx तो यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन कौन सा लिया जाए आप कहोगे जीरो से बड़ा मतलब जो जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा कौन हो सकता है जीरो से बड़ा तो जो एक से बड़ा है वो ऑलरेडी जीरो से बड़ा होगा बात समझ रहे हो ये वाला लेकिन यहाँ पे वन से छोटा है वन से छोटा है लेकिन वन से छोटी कोई वैल्यू जीरो से तो बड़ी मानी जाएगी क्योंकि जीरो से लगभग बड़ी तो जीरो, ये जो जीरो पर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब जीरो से लगभग जीरो की नियरेस्ट वैल्यू जैसे जीरो पॉइंट जीरो 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 नौ तो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर तो वो वैल्यू कौन से में लाई करेगी इस वाले में वन से बड़े में या वन से छोटे में ये वैल्यू भी वन से छोटी मानी जाएगी तो वही ली जाएगी और इसकी जगह पर भी जीरो और फंक्शन की एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तब भी जीरो आएगा तो टोटल मिलाकर ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा एल एच एल बराबर आरएचएल बराबर फंक्शन की वैल्यू जीरो पर तो अब लिख दोगे एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है इस तरह से बात समझ गए ठीक है अब बचा आपका क्या वन बचा अब वन पर भी चेक कर लो एक्स बराबर वन पर तो पहले हम निकालेंगे एल एच एल लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव एफेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन फंक्शन कौन सा लेंगे वन नेगेटिव यानी कि x का मान वन से थोड़ा सा कम है वन से कम पर x लिया जाएगा तो यहां पर क्या लिया जाएगा x x की जगह पर लिमिट रख देंगे वन तो ये वन हो जाएगा ऐसे ही आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू वन पॉजिटिव एफेक्स और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू वन और ये हो जाएगा एफ एक्स कौन सा लिया जाएगा पाँच क्यों लिया जाएगा पाँच देखिएगा वन वन से ज्यादा वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन से ज्यादा एक्स का मान वन से ज्यादा है तो लिया जाएगा पांच और पांच में तो ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट की लिमिट निकालने की जरूरत तो ना होती है पाँच तो ये आपका वन है और ये आपका पाँच है तो यहाँ पर तो आपका एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं आ रहे हैं जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए x बराबर वन पर एफ एक्स संतत नहीं ठीक है बात खत्म क्लियर होगी ना बात तो इस तरीके से आपका यहां पर ये क्या करने जा रहे हैं ये इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर ये सॉल्व किए जाते हैं क्लियर है ना यहां तक तो इस तरीके से आपने ये सवाल कर लिए हैं। ओके वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा